देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे अगर देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। देखिए हर पेपर में ये वाला क्वेश्चन आपके आया है, चाहे वो आपका 30 अक्टूबर का पेपर हो, चाहे आपका 1 अक्टूबर का पेपर हो, चाहे आपका वो 4 अक्टूबर का पेपर हो, चाहे आपका वो 29 सितंबर का पेपर हो, 30 सितंबर का पेपर हो, हर पेपर में जेल प्रहरी के जो 8 सेट आए थे, 8 में से हमने 6 पर डिस्कशन किया, उन 6 में तो सभी में ये आपका आया है कि कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक। और ये 7वां पेपर आपका चल रहा है डिस्कशन में। तो चलिए अगर बात करें कि कौन सी संख्या बड़ी है, कैसे चेक करते हैं, तो देखिए समझिए इस चीज़ को कि हमने बोला आपके पास 2, 3, 4 और 5 में कौन सी सबसे बड़ी और कौन सी सबसे छोटी है, तो आप बोलेंगे 2 सबसे छोटी है और 5 सबसे बड़ी है, ये ग्रेटर है, जी मीन्स ग्रेटेस्ट और ये क्या है स्मॉलेस्ट, इन 4 में, ठीक है। तो मतलब जो संख्या पहले आती है वो क्या होती है एक्चुअल में छोटी होती है, और जो संख्या बाद में आती है वो क्या होती है बड़ी होती है। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि कौन सी बड़ी होती है, जो संख्या बाद में आती है वो बड़ी होती है, जो पहले आती है वो छोटी होती है। अब अगर हम बात करें कि आपको एक एग्जांपल दे दें, हमने लिखा 1, 2, 3, 4, 5 और फिर हमने लिखा 1, 2, 3, 5, 4, फिर हमने लिखा 1, 2, 3, 6, 4, फिर हमने लिखा 1, 2, 4, 6, 8। अब आपको इसमें बताना है कि स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटी, आपको क्या बताना है स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटी और ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ी, आपको इसमें क्या बताना है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है कि इनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप देखिए सबसे पहले कंपैरिजन कहाँ से करेंगे, आप लेफ्ट साइड से, ध्यान रखना नंबर पढ़े जाते हैं राइट साइड से, जैसे अगर हम पढ़ते हैं नंबर को तो हम बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो हमें इकाई दहाई से अंकों को कंपैरिजन नहीं करना है, कंपैरिजन कहाँ से होगा लेफ्ट साइड से। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि लेफ्ट साइड में पहला डिजिट क्या है, तो पहला डिजिट यहाँ पर 1 है, 1 है, 1 है और 1 है, तो सभी के डिजिट यदि 1 है तो कंपैरिजन कर पाएंगे कि आप, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, आप क्या कहेंगे सभी बराबर हैं 1 के माध्यम से। अब दूसरा डिजिट देखें, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो आप बता पाएंगे कौन सा बड़ा है, बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। तीसरे डिजिट पर अगर आएँ तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, इधर 3 है और इधर 4 है, तो बताइए 4 किससे बड़ा होता है, 3 से बड़ा होता है ना, क्योंकि 3 पहले आता है 4 बाद में आता है, तो 4 बड़ा होता है 3 से, तो कौन सा बड़ा हो गया नंबर। इन चारों में सबसे बड़ा तो क्या आ गया आपके पास, ये वाला ऑप्शन, यानी कि अगर हम इनको ऑप्शन दे दें ए, बी, सी और डी, अगर हम इनको नाम दे देते हैं तो आपका ऑप्शन डी सबसे बड़ा नंबर हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर हो गया ऑप्शन डी, क्लियर हो गई। इन चारों में सबसे बड़ी की अगर बात करें तो वो तो हमने निकाल दी कि डी ऑप्शन हो गया। अब स्मॉलेस्ट की बात करें सबसे छोटी की, तो 3 अंक हमने चेक कर लिए, अब फिर से नहीं करना, नहीं तो आप पहले अंक से करना शुरू करते हैं, 3 हमने चेक कर लिए, अब हम चौथा अंक देखेंगे, क्योंकि तो यहाँ पर 4 है, इधर 5 है, इधर 6 है, तो देखिए 4, 5, 6 में सबसे छोटा कौन सा होता है, 4 होता है, 4 होता है, तो स्मॉलेस्ट क्या हो गया आपका, पहला ही ऑप्शन हो गया ए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं संख्याओं का कंपैरिजन करते हैं, आई होप आपको बात समझ में आ रही। चलिए अब देखते हैं अपने ऑप्शन पे आते हैं, तो देखिए पहले ऑप्शन का पहला डिजिट सभी का 5, 5, 5 है, क्या आप बता पाएंगे कि सबसे छोटी कौन सी है, कंपैरिजन ही नहीं होगा, सभी में 5 है मतलब सभी इक्वल हैं। दूसरा डिजिट देखेंगे तो 5, 5, 5 और 7, तो 7 इसमें बड़ा हो गया, यानी कि ये तो ग्रेटेस्ट हो गई, लेकिन ये हमसे नहीं पूछा गया, तो एक ऑप्शन हटा दीजिए। अब हम आते हैं तीसरे डिजिट पर, तो देखिए इसमें 7, इसमें 4 और इसमें 3, तो बताइए 7, 4 और 3 में सबसे छोटा कौन सा होता है, 3 होता है, तो फिर कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, बी। तो इस तरीके से आप देखिए कितने आसानी से आपने कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, एक मेज 2000 रुपये में खरीदा गया और 1800 रुपये में बेच दिया गया, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए हमने बोला था आपसे कि हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा हो कि आपके हानि प्रतिशत पूछ लें, इसीलिए हमने सारी चीज़ों के बारे में जान लिया कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, हानि प्रतिशत क्या होती है, लाभ प्रतिशत क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उन सारी चीज़ों को हमने पहले डिस्कस कर लिया, ठीक। अब देखिए आपको यहाँ ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बात समझ में आ गई कि मेज को कितने में खरीद रहे हैं, तो यहाँ बात करें कि मेज को बच्चों कितने में खरीदते हैं, मेज की कीमत कितनी है, तो मेज को कितने में खरीदा गया 2000 रुपये में, अच्छा बेचा कितने में गया 1800 रुपये में, तो आपको बात समझ में आ रही है 1800 क्या है, जितनी कीमत पर आप बेचते हैं वो क्या कहलाता है विक्रय मूल्य, और जितनी कीमत पर आप खरीदते हैं वो क्या कहलाता है क्रय मूल्य, ठीक। तो हमारे पास क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमारे पास कितना दिया है 2000 रुपये,
और अगर हम विक्रय मूल्य की बात करें तो वो कितना दिया आपको, 1800 रुपये। तो हमारे पास दोनों चीज़ें, हमारे पास क्रय मूल्य भी और विक्रय मूल्य भी है। अब हम जानते हैं कि अगर हमारा क्रय मूल्य क्या हो, विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो, क्रय मूल्य क्या हो, विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो, तो इस केस में क्या होती है, हानि होती है। इस केस में क्या होती है, हानि होती है। तो हानि हम कैसे निकालते हैं, हानि निकालने का तरीका क्या है, हानि निकालते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करके, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करके हम क्या करते हैं, हानि निकालते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर 2000 रुपये में खरीदी थी, विक्रय मूल्य कितना है, कितने में बेची थी, 1800 में बेची थी, तो हानि कितनी आ गई, 2000 में से 1800 माइनस करेंगे तो 200 रुपये की क्या आ गई, हानि आ गई। अब हमने 200 रुपये की हानि निकाल ली, तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो देखिए आपको पता है हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, आप सीख के आए हैं अभी, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ये क्या होता है आपका, हानि प्रतिशत होता है। तो हानि कितने की होगी बच्चों, हानि होगी आपको 200 रुपये की, ठीक, हानि होगी 200 की। क्रय मूल्य कितना है बच्चों, तो क्रय मूल्य आपको कितना दिया, 2000 रुपये, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 2000 रुपये। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। देखिए फॉर्मूला फाइनल क्या बचा आपका, 10% और प्रतिशत का साइन लग जाएगा, यानी कि हानि कितनी की हुई, हानि प्रतिशत कितना है, 10% की हानि हुई, ठीक। तो आपका आंसर कहाँ दिया आपको, 10% की हानि, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो ये फ़ायदा होता है कि अगर हम चीज़ों को थोड़ा सा समझ लें कि उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, उनको हमने पहले समझ लिया, देखिए बाद में हमारा समय बच गया, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मूल्यांकन करें। मूल्यांकन करें मतलब इवेल्यूएट करना है आपको, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे, अगर कोई चीज़ आप कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन ले लें, नहीं ले सकते हैं तो आप सीधा सीधा क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, ठीक। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया है आपको, आपको क्वेश्चन दिया है 11 × −34, ठीक। इसके बाद आपको क्या लिखा है, −12 × 34, इसके बाद क्या लिखा है, प्लस, इसके बाद लिखा है −34 × −24, और इस पूरे के बटे में क्या लिखा है, तो इस पूरे के बटे में लिखा है −10 + −7। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए आपको एक चीज़ दिख रही है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर 34, यहाँ भी 34 और यहाँ भी 34 है, मतलब ये कॉमन आ सकता है पार्ट, कॉमन आ जाएगा तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। तो देखिए हम केवल 34 कॉमन ले रहे हैं, माइनस नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने 34 क्या ले लिया, कॉमन लिया, तो अब यहाँ क्या बचेगा अंदर, माइनस का 11, कितना बचा, माइनस का 11, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ से 34 गया तो यहाँ पर कितना बचा, माइनस का 12, यहाँ से 34 गया तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा, और माइनस का 1 का गुणा किससे होगा, माइनस के 24 से होगा। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ बचेगा माइनस का 1 और इंटू में कितना है, माइनस का 24, ठीक। ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, चलिए तो ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो यहाँ पर अपन स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए अब आप देखिए ये क्या हो गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक। अपॉन में कितना दिया उसको भी सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए ये माइनस का 10 है और ये माइनस का 7 है, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे, तो ये हो गया 34 और ये देखिए माइनस का 11, ये माइनस का 12, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का कितना हो गया, 24, और इस पूरे के बटे में कितना हो गया, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 17, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 17 हो गया, इतनी चीज़ क्लियर। अब देखिए 17 दूनी क्या हो गया, 34, दो बार कट गया, माइनस को ऊपर ले जा रहे हैं तो ये हो गया माइनस का 2, ठीक है। ब्रैकेट वाली सोच को सॉल्व करते हैं, तो माइनस का 11 माइनस का 12 कितना हो जाएगा, माइनस का 23, और प्लस का कितना है, 24, ठीक। अब आप देखिए माइनस भी ऊपर आया था ना, माइनस को ऊपर लाना है, इस वाले माइनस को ऊपर ला दीजिए, ये वाला माइनस हमने ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक। तो इस माइनस को हम कहाँ ला दिए, ऊपर ला दिए, अगले स्टेप में लाए हैं बच्चों, तो अगले स्टेप में लिखेंगे उसको। तो अब ये देखिए क्या हुआ, माइनस का 2, ये कितना था, 24, 24 में से 23 जाएगा बच्चों, 24 में से 23 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, वो भी कितना, प्लस का, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2। देखिए क्या आंसर आया आपका, माइनस का 2, माइनस 2 आपको कहाँ दिया है,
ऑप्शन डी में। तो जब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे, आपसे बार बार बोला जा रहा है आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जहाँ दिमाग लगाने की गुंजाइश होगी वहाँ लगा देंगे अपन। और ये सिंपल क्वेश्चन था तो हमने आपको सिंपल ही कर लिया, बस आपने एक चीज़ नोट की कि यहाँ सभी में सभी पदों में क्या था 34 कॉमन था, तो 34 हमने कॉमन ले लिया, क्लियर। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यदि m बराबर -3 हो तो आपको m माइनस एम इंटू 3 माइनस 5m और बटे में m का मान ज्ञात करना है, ठीक। ये आपको कंडीशन दी है। तो देखिए यहाँ भी दो पद दिए हैं। पद कैसे डिफाइन होते हैं आपके, जब माइनस लग गया ना तो ये मल्टीप्लाई में है, तो एक पद ये हो गया, एक पद ये, और दोनों में से क्या m कॉमन आ रहा है। तो देखो m कॉमन अगर आ गया तो एक m तो खत्म ही हो जाएगा आपका। तो ये भी देखिए m बराबर -3 हम रख देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या दिया है आपको क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है m माइनस एम और ब्रैकेट में दिया है 3 माइनस 5m और इस पूरे के बटे में कितना दिया आपको m दिया, ठीक। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ से m और यहाँ से m, पूरे से m कॉमन आ रहा है, मतलब ये अंदर से नहीं लेना है, इसके मल्टीप्लाई में, मतलब यहाँ से m बाहर चला जाएगा। तो m कॉमन लिया तो बचा कितना, यहाँ तो 1 बचा, माइनस का यहाँ कितना बचा 3 माइनस 5m, ये ब्रैकेट में बचेगा, ठीक है। और ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दीजिए, क्लियर। और पूरे के अपॉन में कितना है m, तो यहाँ से फ़ायदा क्या हुआ कि एक m से m कट गया, हमारी कैलकुलेशन का थोड़ा समय बच जाएगा कि हम 3 उसकी जगह पे भी रखते। तो आप देखिए यहाँ क्या बचा, माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, माइनस का 3 प्लस का 5m, ये पूरा क्वेश्चन इस तरीके से कन्वर्ट हुआ और ये हो गया माइनस का 2 प्लस का 5m। अब m की वैल्यू रख दीजिए, m की वैल्यू आपको बच्चों कितनी दी, माइनस की 3, m की वैल्यू कितनी थी, माइनस की 3। तो ये देखिए माइनस का 2 है और प्लस का 5 इंटू माइनस का 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 5 3 15 माइनस का 15 हो जाएगा और 15 और 2 को जोड़ेंगे तो माइनस का 17। तो माइनस का 17 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो माइनस का 17 किस ऑप्शन में दिया है आपको, ऑप्शन बी में। तो इस प्रकार देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी आया था, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बस एक चीज़ आपने ध्यान रखी क्या कि भाई ये दो संख्याएं थी m माइनस m इंटू में, तो इंटू में मतलब यहाँ से m चला जाएगा और वहाँ से m चला जाएगा, तो यहाँ कितना बचा 1 और यहाँ कितना बचेगा ब्रैकेट में 3 माइनस 5m। फिर हमने क्या किया, ब्रैकेट हटा दिया तो माइनस का गुणा अंदर कर दिया। अब माइनस का गुणा जैसे ही आपने अंदर किया तो आप देखिए क्या आ गया, ये माइनस का 3 हो गया, ये प्लस का 5m हो गया। m की वैल्यू माइनस 3 रख दी तो माइनस का 15 हो गया, माइनस का 2 माइनस का 15 जोड़कर क्या होगा, माइनस का 17। आपका आंसर क्या आ गया अभी, तो देखिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। हल कीजिए, हल कीजिए और आप हल में देखिए कि सभी जगह कहीं भी आपके जो चारों ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या है, 6 की घात के रूप में है। मतलब ऑप्शन को अगर आप देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाएगा। कभी कभार क्या होता है हल करने में हम सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, घात के रूप में नहीं देख पाते, तो ऑप्शन ज़रूर देखना है। ये 6 की घात के रूप में, यानी कि पूरे क्वेश्चन को आपको 6 की घात के रूप में कन्वर्ट करना है, पहली चीज़। अब कैसे कन्वर्ट होगा तो चलिए देखते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये हल करो यानी कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 3 और उसकी होल घात कितनी दी है, 2 दी, और इंटू में कितना दिया, इंटू में आपको 9 × 4 दिया, इंटू 9 × कितना दिया, 4 दिया। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए पहली चीज़ तो इसमें क्या अप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर 2 की घात 3 और उसकी होल घात कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 3 की घात 3 और उसकी होल घात कितनी हो जाएगी, 2, ठीक, इंटू आप इसको लिख सकते हैं 9 को 3 की घात 2 और 4 को आप लिख सकते हैं 2 की घात 2, ठीक। इतनी चीज़ क्लियर, 9 को हमने क्या लिख दिया, 3 की घात 2 और 4 को क्या लिख दिया, 2 की घात 2 लिख दिया। अब ये चीज़ कैसे आई, इस चीज़ को और समझ लें, हम जानते हैं x इंटू y की होल पावर यदि क्या दी है आपको, m दी है, तो वो हो जाती है x की पावर m इंडिविजुअल अलग अलग इंटू y की पावर m, क्या हो जाती है, x की पावर m और y की पावर, अगर ये x है और ये y है तो इसकी होल पावर उस पर पावर के रूप में आ गई। अब इसके बाद एक और एप्लीकेशन लगाने वाला, एक और प्रॉपर्टी लगाने वाले हम, क्या x की पावर m उसकी होल पावर अगर n है तो क्या हो जाता है बच्चों, x की पावर m इंटू n हो जाता है, x की पावर m इंटू n हो जाता है, ठीक। तो देखिए m इंटू n हो जाएगा ये x की पावर, तो चलिए देखिए अब इन दोनों में सेम ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 6 यानी 2 की पावर 6, ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 6 और ये कितना है, 3 की पावर 2 और ये कितना है, 2 की पावर 2, ठीक। अब आप देखिए
आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ेंगी। तो देखिए यहाँ पर क्या लगेगा, 2 की घात 6 प्लस 2 हो जाएगा इनटू, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 की घात 6 प्लस कितना हो जाएगा 2। तो ये आपका हो गया 2 की घात 8 इंटू 3 की घात 8, कितना हो गया 2 की घात 8 इंटू 3 की घात 8 हो गया। यहाँ हमने कौन सा तरीका लगाया, यहाँ लगाया एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर एन। आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी, एम प्लस एन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्स की पावर एम प्लस एन हो जाएगी। अब ये देखिए 2 की घात 8 है। अब यहाँ देखिए हम फिर से रिवर्स लगा सकते हैं इसका, एक्स की पावर एम इंटू वाई की पावर एम बराबर क्या होता है, एक्स इंटू वाई की होल पावर एम होता है, ठीक है। क्या होता है, एक्स की पावर एम इंटू वाई की पावर एम बराबर क्या होता है, एक्स की पावर होल पावर एक्स इंटू वाई की होल पावर एम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 3 की होल पावर कितनी, 8। दोनों जगह देखिए एम एम समान है ना, दोनों जगह 8 घात दी है, तो ये हो जाएगा आपका 6 की घात 8। अब 6 की घात 8 ही आपका क्या है, आंसर है। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया 6 की घात 8, तो 6 की घात 8 आपका सी ऑप्शन में दिया, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो गया आंसर, क्लियर। चलिए अच्छा क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें भी क्या दिया आपको, हल कीजिए। देखिए कल एक ऐसा क्वेश्चन किया था और लगभग वही क्वेश्चन ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो हमने कहा था ये ऐसा क्वेश्चन जब आपके पास लिखा है बच्चों कि 18 इंटू क्या दिया आपको, 45 की होल घात 3, तो कभी भी आपको क्या नहीं करना है, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। आपको क्या नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है कि 18 की घात आप 3 करें और 45 की घात आप 3 करें। बच्चों अननेसेसरी समय खराब होगा आपका, ध्यान रखना। आप कहेंगे बहुत इजी हम कर लेंगे, हमारी तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, लेकिन समय आपका बहुत ख़राब होगा। 18 का क्यूब निकालेंगे, 45 का क्यूब निकाल के फिर गुणा करके फिर अपना आंसर चेक करेंगे। इससे अच्छा ये है कि हम क्या करें, इकाई के अंक से चेक कर लें। किससे चेक कर लें, इकाई के अंक से। तो अब आप बताइए अगर हम इनका इकाई का निकालते हैं तो कितना आएगा, 8 5 40, कितना आएगा, 8 5 40, 40 आएगा। यानी कि ये बात कन्फर्म है कि ये जो संख्या होगा जब आप 18 और 45 का गुणा करेंगे तो एक कोई संख्या मिलेगी जिसका इकाई का अंक क्या होगा, 0। 8 5 40 हुआ, 8 5 का कितना हुआ, 40। 40 में इकाई का अंक क्या होता है, 0। तो यानी कि जो संख्या मिलेगी अंदर इन दोनों का गुणा करने पर उसका इकाई का अंक 0, उसकी घात कितनी है, 3 है। तो आप थोड़ा सा याद करें कि अगर हम बोलें कि आपके पास 10 की घात 3 है तो इसमें कितने 0 होंगे, आप बोलेंगे 3 0 होंगे सर। अगर हम बोलें कि आपके पास 100 की घात कितनी है, 3 है, तो कितने 0 होंगे इसमें, तो आप बोलेंगे सर 6 0 होंगे। कितने 0 होंगे, आप बोलेंगे सर 6 0 होंगे, 2 3 4 5 6 0 होंगे, क्योंकि 2 0 हैं और कितनी घात है, 3, तो उनका गुणा हो जाता है आपस में, 6 0 बनेंगे। तो अब आप बताइए यहाँ केवल 1 0 है और घात कितनी है, 3 है। तो आपका अब जो आंसर आएगा जब आप इसका घात क्यूब करोगे पूरी संख्या का, तो जो आपका आंसर आएगा काफ़ी बड़ी संख्या आएगी, उसका इकाई के अंक, दहाई के अंक और सैकड़े का अंक तीनों क्या होंगे, 0 होंगे। उसमें इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक तीनों क्या होंगे, 0 होंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 है। 0 यानी कि अंत में आप क्यूब कर रहे हो तो अंत में कितने, 3 0 मिलेंगे। तो 3 0 वाला ऑप्शन देख लीजिए किस में है, पहले ऑप्शन में 3 0 है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। अच्छा दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, 3 0 है क्या, बिल्कुल नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अच्छा तीसरे ऑप्शन की बात करें, तीसरे ऑप्शन में 3 0 है क्या, बिल्कुल है, तो तीसरा ऑप्शन ही आपका आंसर हो गया। चौथे को और देख लीजिए, चौथे में कितने, 2 0 है, तो चौथा भी आपका आंसर नहीं है। अब आपके बाद दिमाग में बात जा सकती है, सर अगर 2 में आ गया तो क्या करें, 2 में आ जाएगा तो 3 0 के बाद हम चौथा अंक यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार का अंक चेक कर लेंगे, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा तो आपको करा दिया जाएगा। फिलहाल आप देखिए इसी बेस पर पूछा गया, इससे ज़्यादा टफ आपसे नहीं पूछा गया, तो अननेसेसरी आपको चिंता भी करने की ज़रूरत नहीं है। बात आपको समझ में आ गई इकाई के अंक से कैसे चेक किया, हमने सबसे पहले 8 और 5 का गुणा किया तो 40 हुआ, 40 में इकाई का अंक क्या होता है, 0 होता है। तो मतलब ये बात कन्फर्म है कि इस संख्या का जब आप गुणा करेंगे तो आपको एक संख्या मिलेगी 18 और 45 का गुणा करने पर, 18 और 45 का गुणा करने पर एक जो संख्या मिलेगी उसका इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। अब इकाई का अंक 0 होगा तो 18 45 का गुणा आएगा या कोई संख्या आएगी उसकी घात कितनी है, 3। तो हमें पता है कि 10 की घात 3 में 3 0 होते हैं, 100 की घात 3 में 6 0 होते हैं। तो अब आप बताइए अगर यहाँ 0 की घात 3 है, मतलब 1 0 है, 3 घात है, तो कितने 0 होंगे इस संख्या के अंत में, 3 0 होंगे। तो 3 0 वाला ऑप्शन हमने चेक कर लिया, कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में, क्लियर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 18 है 9/12
इनके मध्य निहित है, यानी कि 9/12 इनके मध्य निहित है। आपको चार ऑप्शन दिए गए, आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में भैया कि ये जो 9/12 है, ये जो 9/12 है बच्चों किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। आपसे ये पूछ रहा है ये 9/12 किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। तो आप देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 9/12 को आप दशमलव रूप में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि आपके पास संख्या क्या थी 9/12। अगर आप इसको 3 से काटोगे, 3 से 4 बार कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3/4। और 3/4 का दशमलव रूप क्या होता है, 4 से भाग देंगे तो दशमलव लग जाएगा, पहले तो दशमलव लग गया 0., 4 7 28, 4 5 20, यानी कि हम लिख सकते हैं 9/12 को, 9/12 कितना होता है 0.75। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि पहले ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन और चौथे ऑप्शन में से ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन दो संख्याओं के बीच में यदि 0.75 आता है तो हमारा आंसर पहला हो जाएगा, नहीं तो दूसरा, तीसरा और चौथा में से चेक करेंगे। ठीक, तो चलिए पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, पहले ऑप्शन में हमारे पास दिया है 5/6। ठीक, अब इसको दशमलव रूप में कन्वर्ट करते हैं तो दशमलव लग जाएगा सबसे तो पहले, और ये कितना हो जाएगा 50, 6 8 48, कितना बचेगा 2, तो 20 हो जाएगा, 6 3 18, तो 5/6 कितना था 0.83। अब बात करते हैं दूसरा नंबर क्या है, 7/8, भाग फिर से नहीं जाएगा, दशमलव लग जाएगा तो 0., कितना हो जाएगा ये 70 हो जाएगा, तो 8 8 64 हो जाएगा, कितना बचेगा भाई 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, 8 7 56, यानी कि जो हमारी संख्या आई वो कितनी है 0.83 और 0.87। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है 0.75, तो बताइए 7 5 तो इससे पहले होगा कहीं, ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता, ठीक, इसके बीच में 0.75 नहीं आएगा। चलिए दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है बच्चों, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 9/10। 9/10 का मतलब होता है आपका बेटा 0.90, ठीक है। फिर अगला आपको दिया है 10/9, तो ये आपका 1 में पहुंच गया, 9 1 9 0.9 1 9 समथिंग, तो ये इस तरीके से आएगा आपका। तो अब आप देखिए आपका कितना आ गया 0.11, तो आप देखिए 0.90 और 0.1 के बीच में क्या आपका 0.75 होगा, नहीं होगा, इससे पहले होगा, तो ऑप्शन बी भी आपका आंसर नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी भी आपका कट गया इस प्रकार से। अब हम आते हैं ऑप्शन सी की तरफ, तो देखिए ऑप्शन सी क्या है आपका, ऑप्शन सी में आपको दिया है 8/9, तो 8/9 में पहले तो आप दशमलव लगा दीजिए, दशमलव लगाया तो कितना हो गया 80, तो कितना करेंगे 9 8 72, 9 8 कितना हो गया 72, कितना बचा फिर से 8 बचा, 9 8 72, बिल्कुल सही। फिर अगला क्या दिया इसमें 5/7, तो देखिए यहाँ भी भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लग जाएगा, तो ये जाएगा 50 7 7 49, कितना हो जाएगा 7 7 49 होता है, 7 7 क्या होता है 49, तो देखिए 7 7 49 कर दीजिए, ये आपका भाग जाने पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक, तो 7 7 क्या होता है 49, तो भाई 7 7 49 कर दीजिए आप, हो गया, चलिए देखिए ये होगा 7 7 49, क्या बात हो रही है भाई, क्यों गड़बड़ कर रहा है ये, चलिए एक मिनट रुकिए बच्चों, देखिए क्या करना है अपन को, 7 7 49, तो 7 पे भाग दिए 7 7 49 हो गया, और चलिए इसको छोड़ दीजिए, यहाँ देख लीजिए 7 7 49, 0.7 आ गया, 1 बचेगा तो 7 1 7, अब आप देखिए आपके पास जो नंबर मिले वो मिले 0.71, और अगला नंबर मिला 0.088। अब 7 1 के बाद कहीं 7 2 आएगा, 7 3 आएगा, 7 4 आएगा, 7 5 आएगा, तो आप देखिए इन दोनों नंबरों के बीच में 0.75 आ रहा है कि नहीं, इन दोनों नंबरों के बीच में 0.75 आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फिर सी, फिर आपको डी ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं। तो मतलब आपने क्या किया इन क्वेश्चन में, सीधे सीधे अपने पहले दशमलव में संख्या निकालनी, मतलब आपको जो फ्रैक्शनल फॉर्म दिए थे उनको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया डेसिमल फॉर्म में, यानी कि जो आपको भिन्न दी थी उनको हमने किस में बदल दिया दशमलव वाली संख्या में बदल दिया। तो हमने देखा पहले तो हमारे पास जो 9/12 था उसका दशमलव रूप क्या था, उसका दशमलव रूप 0.75 था। अब हमें देखना है कि 0.75 किन दो संख्याओं के बीच में है, तो हमने पहला ऑप्शन लिया तो यहाँ से आपको 0.83 मिला और 0.87, तो 0.83 और 0.87 के बीच में तो क्या होगा 8 4 होगा, 8 5 होगा, 8 6 होगा,
7 5 तो कहीं नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। दूसरा ऑप्शन हमने देखा तो 0.90 और 1.11 है, तो इसके बीच में भी कहीं नहीं होगा भाई, 9 से पहले आता है 7 5, ठीक है, 9 से पहले आएगा 7, तो ये भी इसमें ऑप्शन में भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। तीसरा ऑप्शन आपने देखा तो यहाँ 0.88 और 0.71 मिला, 0.71 के बाद 2 3 4 5 मिलेगा, उसके बाद 6 7 8, तो ये बहुत दूर है, तो इसके बीच में आपका आ गया 0.75, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, 8/9 एवं 5/7। तो हमने देखा कि जो हमारी संख्या है 9/12 किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है बच्चों, तो वो है 8/9 और 5/12 के बीच। चलिए ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर है, प्लॉट की परिधि ज्ञात करें। प्लॉट किस शेप का है, सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, प्लॉट जो है वो वर्ग के आकार का है, ठीक। अब हम जानते हैं कि वर्ग क्या होता है बच्चों, तो हम वर्ग जानते हैं एक ऐसी भुजा होती है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, तो ये एक आकृति वर्ग होती है। अब वर्ग में जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है उन सबको हम समझ लेते हैं। वर्ग के बच्चों दो विकर्ण होते हैं, क्या होते हैं, दो विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण अगर D1 है तो दूसरा विकर्ण क्या होगा, D2। विकर्ण कितने होते हैं, दो विकर्ण होते हैं वर्ग के। अब विकर्ण क्या होता है, किसी भी आकृति का विकर्ण क्या होता है, उसके विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को हम विकर्ण कहते हैं। विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं बच्चों, विकर्ण कहते हैं। ये भी चीज़ क्लियर हो गई। तो देखिए यहाँ पर जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, बराबर, यानी D1 बराबर क्या होता है, D2, विकर्ण वर्ग के बराबर होते हैं, और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। वर्ग के विकर्ण क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, द्विभाजित करते हैं। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे को किस तरीके से काटते हैं, 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं, और ये बराबर पार्ट में बढ़ जाता है इस तरीके से, तो ये समकोण पर समद्विभाजित करना कहलाता है। वर्ग का प्रत्येक कोण, मतलब अगर हम बात करें, अगर ये वर्ग है ए बी सी और डी, वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है, बराबर होता है, और प्रत्येक कोण बराबर होता है और 90 डिग्री का होता है। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी होता है, और प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है, 90 डिग्री होती है, ठीक। यानी कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। तो हम यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं कि वर्ग के चारों कोणों का योग कितना होता है, कोण ए प्लस कोण सी और प्लस कोण डी बराबर कितना होता है, 360। वर्ग के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, दो विकर्ण होते हैं, दूसरे पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं, सभी भुजाएं कैसी होती हैं, तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, कैसी होती हैं बच्चों, बराबर होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब बराबर होती है इसके बाद और कंडीशन क्या बन रही है, तो देखिए इसमें एक चीज़ अब आते हैं इसके क्षेत्रफल पर। तो अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा यानी कि ए का स्क्वायर। अब वर्ग का परिमाप यहाँ पर जो परिधि शब्द लिखा है बच्चों, एक्चुअल में परिधि शब्द वृत्त में इस्तेमाल होता है। वृत्त की जो बाउंड्री होती है, ये जो वृत्त का सर्कल जो बनता है, ये जो बाउंड्री होती है ये परिधि कहलाती है, ठीक है, ध्यान रखना। परिधि केवल किस में होती है, वृत्त में होती है। तो इसको आप रिप्लेस कर लेना किससे, परिमाप से। कोई भी अगर चतुर्भुज है त्रिभुज है तो उसमें क्या होता है, परिमाप होता है, परिधि नहीं होती है। हालांकि परिधि और परिमाप दोनों परिभाषा के हिसाब से एक ही हैं। किसी भी आकृति की जो बाउंड्री होती है उसका सम क्या होता है, परिधि कहलाती है। जैसे वृत्त की परिधि इसकी चारों भुजाओं का योग, तो इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 4a, ठीक। अगर हम इसके विकर्ण की बात करें तो इसका विकर्ण कैसे निकालते हैं, वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है a√2। तो देखिए जितने भी पॉसिबिलिटी और हैं इस टाइप के और क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगी सारी बातें। अब इन्होंने क्या दिया है, एक वर्गाकार प्लॉट है, एक वर्ग के आकार का क्या है, प्लॉट है। तो हमने बना लिया एक वर्ग के आकार का प्लॉट। इसका क्षेत्रफल मतलब जितनी ये जगह घेरता है, ये वाला एरिया, इसका प्लॉट का क्षेत्रफल कितना दिया आपको, ये दिया 64 वर्ग मीटर। कितना दिया, 64 वर्ग मीटर। अब इन्होंने बोला है कि वर्ग का परिमाप ज्ञात करें, परिमाप क्या है, तो परिमाप ज्ञात करने के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, भुजा यानी कि ए की। तो भुजा कैसे निकलेगी, क्षेत्रफल से।
हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। ठीक, अब ए स्क्वायर की वैल्यू आपको कितनी दी है, 64। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप अंडर रूट क्या कर देंगे, 64। ठीक है, अंडर रूट 64 कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8। 8 मीटर क्या आ गई, वर्ग की भुजा आ गई उस प्लॉट की, जो वर्गाकार प्लॉट है उसकी भुजा कितनी आ गई, 8 मीटर आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, क्षेत्रफल से हमने क्या निकाल लिया, भुजा निकाल ली, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब आपको क्या निकालना है, परिमाप। तो परिमाप कैसे निकलेगा, तो आप जानते हैं परिमाप क्या होता है, 4 × भुजा। तो भाई 4 कितना और भुजा कितनी, 8। ठीक, तो 8 × 4 कितना हो जाएगा, 32 मीटर। तो परिमाप क्या निकल कर आ गया, 32 मीटर। चलिए देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है 32, तो 32 आपको दिया ऑप्शन बी में। क्लियर है सारी बातें। देखिए, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आपको इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं और आए हुए हैं पेपरों में। कहीं कुछ पूछ लेते तो कहीं कुछ आपके सेट में कुछ आपसे क्षेत्रफल दे दिया, परिमाप पूछ लिया, किसी के में परिमाप दे देंगे क्षेत्रफल पूछ लेंगे, तो या किसी के में परिमाप दे देंगे आपसे विकर्ण पूछ लेंगे। तो विकर्ण हम कैसे निकालेंगे, तो विकर्ण आपके पास ए अंडर रूट 2 होता है। जैसे हमने बोल दिया कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 64। यही क्वेश्चन आपको दे दिया, एक वर्गाकार प्लॉट है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 64 वर्ग मीटर है। तो उसका आपको परिधि या परिमाप ना पूछ के हम आपसे बोल दें कि विकर्ण ज्ञात करें। आप क्या ज्ञात करें, विकर्ण ज्ञात करें। इसी क्वेश्चन को हमने आपको चेंज करके दे दिया। देखिए, तो हमें क्या चीज़ पता होना चाहिए, विकर्ण पता होना चाहिए ना, अगर नहीं पता होगा फिर समस्या जाएगी। तो देखिए, इसी क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फिर आपको पता है क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल कितना दिया बच्चों, क्षेत्रफल दिया है आपको 64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम जानते हैं ए स्क्वायर बराबर कितना, तो 64। आप सेम वही तरीका लगाएंगे, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 8 मीटर। तो अब आपसे क्या पूछा गया, विकर्ण। तो आप बताइए विकर्ण कैसे निकालते हैं, तो विकर्ण का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। विकर्ण क्या होता है, ए अंडर रूट 2। विकर्ण कितना होता है, ए अंडर रूट 2 होता है। तो अब ए की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो 8 अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 मीटर। ये आपका विकर्ण हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा अगर आपसे विकर्ण पूछ लेते तो। क्लियर है सारी बातें। चलिए, तो इस पेपर में जो आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 20, उसको देखते हैं कि क्या पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन आपको दिया है तो समीकरण है, एक समीकरण को तो आपको दिए x/2 + y/5 = 12। ठीक, और दूसरी समीकरण क्या दी है, 4x/3 - y/3 = 19। तब एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं, तब एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं। चलिए, तो आप समीकरण लिख लीजिए, क्या क्या समीकरण दिए आपको। पहली समीकरण दी है x/2 + y/5, y बटे कितना दिया है, 5, तो y/5 लिख लीजिए, y/5 = 19। ठीक, और दूसरी समीकरण की अगर बात करें तो दूसरी समीकरण क्या दी, 4x/3 - y/3 = 19। दोनों जगह 19, अच्छा यहाँ 12 दिया है आपको, यहाँ कितना दिया आपको, 12 दिया है, ये 19 नहीं है, ये 12 है। तो चलिए इसको 12 कर लीजिए। ठीक, ये कितना है आपके पास, 12 दिया है। पहली समीकरण में आपको 12 दिया, दूसरी समीकरण में आपको दिया 4x/3 - y/3 = में कितना दिया, 19। ये आपके पास दो समीकरण है, और आपसे बोला क्या है, आपसे बोला गया है कि भाई x और y, इन दोनों के मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, x का और y का मान, दोनों का मान आपको ज्ञात करना है। बराबर नहीं है यहाँ पर एक्स वाई बराबर, मतलब बराबर ज्ञात करने का साइन है। ठीक है, तो देखिए एक्स और वाई के दोनों के मान आपको ज्ञात करने हैं। तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे, अब एक तो तरीका ये है आपके पास बच्चों कि आप क्या करें, विलोपन विधि लगाएं। विलोपन विधि के लिए आपको इक्वेशनें बनानी पड़ेंगी, तो आप एलसीएम लोगे, यहाँ पर एलसीएम लोगे 10 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5x, ये कितना हो जाएगा, 2y बराबर में कितना, 12। तो यहाँ से आपकी एक समीकरण निकलेगी, 5x + 2y बराबर में कितना, 120। ठीक, एक समीकरण बना लिया आपने, 5x + 2y = 120। अब हम दूसरी समीकरण बनाएंगे तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा, 3, 3 एलसीएम आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4x - y बराबर में कितना, 19। तो आप लिखेंगे इक्वेशन 4x - y और 19 दिया कितना हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 57। ठीक, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब आप क्या करें, बाई को ख़त्म कर दें। बाई को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आप 2 से गुणा करते हैं दूसरी इक्वेशन में, तो दूसरी इक्वेशन में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x - 2y, और ये कितना हो जाएगा, 7 × 14 = 4, हाँ से लेख 5 × 10 = 11, 114। ठीक, 7 × 9 = 114 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को अगर आप जोड़ देते हैं, अगर आप जोड़ेंगे तो बताइए ये वाली इक्वेशन आप जोड़ेंगे
किस वाली इक्वेशन में, तो ये सब प्लस के रहेंगे साइन, तो देखिए 2y से 2y कैंसिल, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13x। ठीक, इसके अलावा 120 जुड़ेगा किस में, 114 में, तो कितना हो जाएगा 100, 234, कितना हो गया 234। अब 13 से भाग लगाना है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 ही कम 13 हो गया, 13 ही कम 13 कितना बचा 10, 13 अट्ठे 104। ठीक है, तो ये कितना आ गया 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18। एक वैल्यू तो आपने निकाल ली, अब किसी भी एक इक्वेशन में आप मान रख दीजिए, जैसे आपके पास एक इक्वेशन थी, कोई भी ले लीजिए, आपके पास ये वाली इक्वेशन है पहली, 5x + 2y बराबर में कितना 120, तो x की वैल्यू कितनी है 18, 18 × 5 कितना होता है 90, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 18 रखेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर 18 रखेंगे, तो आप 18 रख दीजिए, 5 का गुणा किससे कर दीजिए 18 से, तो यहाँ पे 5 का गुणा 18 से हो गया प्लस 2y बराबर में कितना 120 है बच्चों। तो देखिए ये कितना हो गया 90 + 2y बराबर में 120, तो यहाँ से 2y का मान कितना निकलेगा, 2y बराबर निकलेगा 120 - 90, तो कितना आ गया ये आ गया 30, तो 2y की वैल्यू 30 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, y की वैल्यू हो जाएगी 15। देखिए एक एक स्टेप समझाया आपको, तो आपको x और y दोनों के मान मिल गया 18 और 15, दोनों कैसे हैं पॉजिटिव, कोई भी निगेटिव नहीं है, आंसर देख लीजिए 18 और 15 कौन सा ऑप्शन हो गया सी। अब ये बात तो कब हो गई, जब आप ट्रेडिशनली जाते हैं, ये इतना बड़ा आपको कब करना पड़ेगा, जब आप ट्रेडिशनली जाते हैं, तो क्या आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना पसंद करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। आपने देखा कितना समय लग गया, मतलब आपको समझाने में जब इतना समय लग गया, जब आप करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं तो उसका तरीका देखें क्या रहेगा। देखिए सबसे पहली बात यह कि आपको x और y के मान निकालने, दोनों के मान, तो आप क्या करिए x और y के मान समीकरण में सेटिस्फाई करा दीजिए। जैसे हमारे पास समीकरण क्या थी, समीकरण पहली है x/2 + y/5 बराबर में कितना 12, बस पहली समीकरण संतुष्ट करा दीजिए, बाकी किसी को आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शन बहुत डिफरेंट है। तो अगर हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं, पहले ऑप्शन में x की वैल्यू क्या है, x = -18 और y बराबर कितना -15। चलिए तो हम इस समीकरण में रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा -18 / 2 + और ये y की वैल्यू रखोगे तो -15 हो जाएगा, -15 / 5 ठीक है, बराबर में कितना 12। अब देखिए 2 से ये कितने बार कटा 9 बार, और 5 से ही कितने बार कटा 3 बार, तो ये आपका आया -3 - 9 बराबर में कितना 12, तो यहाँ कितना मिला आपको -12 और बराबर में कितना है 12, तो ये बराबर हो सकते हैं क्या, नहीं, तो ऑप्शन ए आपका कैंसिल। बात आ रही समझ में, आप इतनी इक्वेशन बनाने की जगह आप केवल वैल्यू रख के तुरंत तुरंत कैलकुलेट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, आपने रखा एक्स की जगह पे कितना 8 तो बटे में कितना 2 प्लस वाई की जगह पे क्या रखा 5 / 5 बराबर में क्या चाहिए आपको 12, तो देखिए ये 2 से 4 बार कटेगा, ये 5 से 1 बार कटेगा, ठीक है, ये 4 और 5 एक बार कट गया, तो बराबर में कितना है 12, तो ये कितना आया 5 और बराबर में कितना 12, तो 5 = 12 होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है, तो आपने देखा ये ऑप्शन भी कट गया। अब थोड़ा सा आप देखें कि तीसरा जो ऑप्शन है दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, और आपने अभी क्या रखी थी नेगेटिव, तो अगर इसी को हम पॉजिटिव कर देते हैं, इसी को हम पॉजिटिव कर देते हैं, तो ये भी हमें पॉजिटिव मिलेगा, ये भी पॉजिटिव मिलेगा, ये भी पॉजिटिव मिलेगा, ये भी पॉजिटिव मिलेगा, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 12 = 12 हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। तो वहाँ क्या है, आप इक्वेशन बनाने से बच जाएंगे, जो आपको रैखिक इक्वेशन बनानी पड़ रही है, जो लीनियर इक्वेशन आपको बनानी पड़ रही है, रैखिक समीकरण बनानी पड़ रही है, फिर एक्स और वाई के मान निकालने पड़ रहे हैं, विलोपन विधि लगानी पड़ रही है, उन सबसे आप बच जाएंगे। तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन को या इस टाइप के क्वेश्चनों को ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे, क्लियर। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए ये 20 का क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था, तो यहाँ आपने एक और पेपर का सॉल्यूशन किया, देखा कि क्वेश्चन जो थे काफ़ी बेसिक लेवल के थे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा टफ नहीं था जिसमें आपको प्रॉब्लम जाए, ठीक है, आप बना सकते हैं काफ़ी आसानी से, आप बस प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर के पेपरों को जरूर सॉल्व करने से एक आइडिया मिल जाता है हमें कि पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे आने की संभावना है, तो उस टाइप के क्वेश्चनों को, और यहाँ से ये भी समझ में आ जाता है कि भाई किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन या कितने नंबर का पूछा गया है, तो अगर आपका वो टॉपिक स्ट्रांग है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उस पर मेहनत करना शुरू कर दें, क्लियर। चलिए